सो फ्रेंड्स, हमारे घर में बेकार बहुत सारे ऐसे कपड़े रहते हैं या कपड़ों के टुकड़े रहते हैं जो हम लोग कुर्ती या ड्रेसेस सिलवाते हैं तो उसमें से भी बच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे घर में टुकड़े रहते हैं जिनका यूज़ हम लोगों को कुछ भी यूज़ नहीं रहता और वो फेंकने में चले जाते हैं। तो आज मैं उसका आप लोगों को बहुत ही आसान यूज बताने वाली हूँ। आसान तो है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल भी रहेगा। तो जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं इनका यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ क्या है। तो ऐसे मैंने इतनी पट्टी कट कर ली है, इतना ही मेरे पास में टुकड़ा था तो उसमें से मैंने ये पट्टी कट कर ली है। इतनी लंबाई, इसकी लंबाई है 15 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। तो इसे हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ से मैं इतनी जगह छोड़ के स्टिच कर लूँगी। सामने की बस थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है। इसे हमें पूरा स्टिच करते हुए जाना है आखिरी तक और लास्ट में भी मैं यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दूंगी। सो फ्रेंड्स, इसे मैं हाथ से स्टिच करके दिखा रही हूँ कि हर एक के घर में सिलाई मशीन होती होती ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ सिलाई मशीन नहीं होती है तो बिना सिलाई मशीन के भी आप ऐसे आसानी से सिल सकते हैं, इसीलिए मैं हाथ से स्टिच करके दिखा रही हूँ। इसे हमें सीधा कर लेना है। पेंसिल या पेन या कोई भी ब्रश से आप इसे सीधा कर सकते हैं। खाली मैंने इतनी सी जगह रखी है। सो फ्रेंड्स, हमारे घर में ऐसे जो रबर बैंड्स होते हैं उसका यूज करेंगे हम लोग। ये बहुत ही खराब हो चुका है तो ऐसे खराब हुए वाले रबर बैंड ले सकते हैं। और ये पूरा लूज हो गया है, खराब हो गया है तो इसका मैं थोड़ा सा इसे यूज करूंगी इसके अंदर लगाने के लिए। से बांध देना है यहाँ पर अच्छी तरीके से ताकि ये खुले नहीं। और जो ये छोटा सा हिस्सा है इसे हम लोग यहाँ से स्टिच कर देंगे।
सो फ्रेंड्स, लीजिए झटपट, हमारा एक बहुत ही प्यारा सा दिखने वाला रबर बैंड रेडी हो गया है। आप ऐसे घर में पड़े देखिए, दो बेकार चीज़ों से मैंने इसे कम से कम 3, 4 या 5 मिनट बोल सकते हैं, इसमें 5 मिनट में ये बन गया है और बहुत ही यूज़फुल रहेगा हम लोगों के लिए। आप ऐसे अलग अलग तरीके के बना कर रख सकते हैं, जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है 5 मिनट निकाल कर। ऐसे आप लोगों के पास में कपड़ों के टुकड़े हैं या रबर बैंड है जो यूजलेस है, दोनों भी चीज़ें हैं जो बेकार पड़ी चीज़ें, उसी से मैंने ये बनाई हूँ और ये बिल्कुल 5 से 10 मिनट में रेडी हो गया है हाथ से स्टिच करने के बावजूद। और देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है। ऐसे करके आप भी अपने घर में ही पड़ी चीज़ों का यूज करके पैरी पैरी चीज़ें बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। अलग अलग कपड़ों से अलग अलग तरीके के आप ऐसे रबर बैंड, प्यारे प्यारे कलरफुल रबर बैंड घर में बना सकते हैं। चीज़ें रहती है उसी का यूज करते हुए आप इतने प्यारे प्यारे कलरफुल, आपके ड्रेस के मैचिंग भी आप इन्हें बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो भी आप लोगों के काम में आएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।